गुरुवार देर शाम होटल क्लार्क शिराज में ऑब्स्टेट्रिक एवं गायनोलॉजिकल सोसाइटी द्वारा सीएमई का आयोजन किया गया, जिसे एओजीएस के प्रेसिडेंट प्रोफेसर डॉक्टर निधि गुप्ता एवं सेक्रेटरी डॉक्टर अमित टंडन ने आयोजित किया। प्रोफेसर निधि गुप्ता ने बताया कि पीसीओडी स्त्रियों में होने वाली सबसे खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी में 30 से 35% तक स्कूल में जाने वाली लड़कियां भी प्रभावित है। वहीं डॉक्टर अमित टंडन का कहना है कि पीसीओडी की बीमारी यंगस्टर्स के साथ साथ महिलाओं में भी देखी जा रही है। इस बीमारी से डायबिटीज, कैंसर होने का खतरा भी बढ़ जाता है, इसलिए इस बीमारी को समय से पहचान कर कंट्रोल किया जाना चाहिए। आज हम लोगों ने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो आजकल ज़्यादातर महिलाओं में, स्पेशली यंग लड़कियों में, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से हो रहा है, उस पर एक सीएमई रखी है, जिसमें सफदरजंग हॉस्पिटल की एसोसिएट प्रोफेसर आई हैं। और आप देख सकते हैं, हमारे सारे टीचर्स, डॉक्टर प्रोफेसर वरुण सरकार, प्रोफेसर संध्या अग्रवाल, डॉक्टर सरोज सिंह, सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि ये जो बीमारी है ये मेनली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की है, और पहले बहुत कम बच्चों में पाई जाती थी, लड़कियों में पाई जाती थी, और अब हम देख रहे हैं कि हर 10वीं बच्ची को इस बीमारी, ये बीमारी का शिकार हो रही है। जैसा मैडम ने बताया कि ये जो पीसीओडी है, ये एक प्रॉब्लम है जो आजकल बहुत ज़्यादा देखने में मिल रही है। ये यंग बच्चों में ही नहीं, जिन बड़ों में भी काफ़ी देखने को मिलती है, और इसके लॉन्ग टर्म बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लोगों को डायबिटीज़ हो जाती है, हार्ट डिजीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है झिल्ली का। तो इस बीमारी को समय से पहचान के और इसको कंट्रोल करके लेडीज़ के पूरे जीवन भर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इसीलिए इस पर एक विचार गोष्ठी रखी गई है, सीएमई रखी गई है। इस गोष्ठी में सफदरगंज हॉस्पिटल नई दिल्ली से आई डॉक्टर अर्चना मिश्रा ने भी इस बीमारी की जानकारियों पर प्रकाश डाला। इस बीमारी का मुख्य कारण आजकल के खानपान एवं भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल भी है। सी न्यूज के लिए इकबाल अली की रिपोर्ट।